बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए शलजम के भरते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और खाने में भी बहुत लजीज है। तो चलें अज्जा नोट कर लेते हैं। लेकिन अज्जा नोट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो, जितनी भी आप मेरी वीडियो है, आप एंड तक देखा करें, शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं शलजम का भरता। देखिए, मैंने शलजम लिए हैं, इसको मैंने काट के इस तरह टुकड़ों में बना के रख लिया है। एक मैंने टमाटर लिया है, हरी मिर्चें हैं, तेज़ वाली चिल्ली और हरा धनिया, ये ऊपर से जाएगा। ये मैंने 2 टीस्पून भर के रेड चिल्ली लिए, जो साबित मिर्चें होती हैं। हरी मिर्चें जो रेड हो जाती हैं उसको मैंने पीस के रखा है, थोड़ी तेज़ वाली मिर्चें हैं ये। 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 पाव मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं शलजम का भरता। पहले हमने शलजम को बॉईल करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने शलजम को बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो देखिए व्यूअर्स, शलजम ये अच्छे से गल गए हैं। बस थोड़ा पानी इसका खुश्क होने के बाद मैंने इसको अच्छे से घोटना है, ताकि ये बिल्कुल भरता टाइप का हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये शलजम जो है अच्छे से ठंडे हो गए। अब मैंने इसको घोटना है, बिल्कुल अच्छे से घोटना है इसको। तो देखिए, शलजम के भुट्टे के लिए पहले हमने आयल को गर्म करना है अच्छे से। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ये डालना, साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था, ये भी इसमें जाएगा, और साथ ही ये मिर्चें और टमाटर मैंने सब्जी, टमाटर के साथ ही हरी मिर्चें मैंने काट ली, जिसके साथ ही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया, और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। तो अच्छा सा मुझे भूनना है। तो देखें, मसाला अच्छा सा भुन गया। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। अब थोड़ी सी और भुनाई करके मैंने इसमें शलजम का जो भरता बनाया है वो मैंने इसमें ऐड करना है। तो अच्छे से भुनने के बाद जो मैंने शलजम मैश करके रखे थे वो इसमें मैंने डाल के फिर अच्छे से भुनाई करनी है। और देखें, अब इसमें मैंने ये जो मैश हुआ हुआ शलजम है मैं इसमें ऐड करके फिर अच्छे से भुनाई करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें शलजम ऐड कर दिए हैं। अब इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। तो देखिए, शलजम का भरता रेडी है। अभी मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल के 2 मिनट के बाद आपको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये शलजम का भरता रेडी है। आप बनाएं इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी शलजम के भरते की बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने रिश्तेदार, अजीज़ वकारीब हैं उनके साथ रेसिपी शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।